subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. बहुत आसान सा हल है ये. अंडे की मैंने छिलका ले लिया, ठीक है, छिलके के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और इसको मैंने आधा गिलास पानी लिया और बॉईल कर लिया. ये इसमें हम डाल देंगे. अच्छा, इसमें एल्ब्यूमिन होता है अंदर छिलके की, अंदर एक लेयर होती है ना, पतली सी बारीक सी लेयर होती है. फिर मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच अजवाइन, बालों के लिए, और कड़ी पत्ता. ये हम पानी बना लेंगे और जितने आपने छिलके इस्तेमाल किए हुए या आप इस तरह एक कंटेनर में डाल लीजिए. ये बस जैसे ही पक जाएगा फिर आप इसको छान के हमने इसमें डाल देना. अब इसे होगा क्या, इसको लगाना कैसे, कि जब ये इसके साथ मिक्स होगा तो हमने जितने अभी डिस्कस किए हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स सब कुछ वो इसमें आ जाएंगे. अब कड़ी पत्ता में वाइटामिन के की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है और अजवाइन में भी बहुत अच्छी है. तो दो मुँह बाल जो हो जाते हैं जैसे ही वाइटामिन के लगता है, बहुत सारे शैम्पूस के साथ आ रहा है, अब सीरम्स के साथ आ रहा है, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स में होता है, आप जैसे ही लगाते हैं तो बाल एकदम जो है आपके दो मुँह वो ज्वाइंट हो जाते हैं. ओके, तो वो स्प्लिट एंड्स जिसको कहते हैं वो नहीं रहते. जबरदस्त. अब ये जो है देखें ये बॉयल हो गया. हमने ज़्यादा नहीं पकाना, हरा ही रंग रहने देना है ताकि इसके कंटेंट इसी में रहे. ठीक है, अब इसको हम आम के छिलके हैं ना, आम के छिलके बस. और ये गर्म ही हम डालेंगे, ठंडा नहीं? हाँ, नहीं गर्म डालेंगे तो उसका जो कंटेंट है वो इसमें आ जाएगा थोड़ा. अच्छा. सा लगाएंगे हम ठंडा करने के बाद. अच्छा अच्छा, अब लगाने के. अच्छा कि आपने बता दिया, पता चला सर जला रहे हैं सब. गरम ही लगा लिया, बिल्कुल. अच्छा ये तो अभी इतना नहीं है, हमने कैसे करना है, आप इस तरह ये लेकर. हाँ. आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं. अब जब बच्चे आए या लड़कियां होती हैं वो आयरन यूज कर रही होती हैं. हाँ. उससे भी और मजीद डैमेज हो रहे होते हैं. तो अब इसमें सारी चीजें आ गई. आपने इस तरह रख दिया, आपने बाल लिए लेयर ली और आपने इस तरह करके यूं करके ऐसे आपने घिसना है जैसे आपको कोई भी क्रीम लगा के या केराटिन लगा के करना है ना. तो इसमें सारी चीजें, वो सारे विटामिन है, आपने यूं करके लगाना है, 20 मिनट्स के लिए रखना है और जाकर वॉश कर लेना है पानी से. बाल बिल्कुल सीधे होंगे. अच्छा, लेकिन इसके बाद आपने कोम जो है वो एफ्रो कोम यूज़ करनी है. अच्छा, स्ट्रेट बाल वो करने के लिए. अब ये नहीं कि आपने यूं करके बांध लिया तो फिर वो बालों में वैसे ही टेक्सचराइजेशन जो है वो वापस आ जाएगी. तो आप कह रही हैं बाल सीधे करने सीधे. के लिए, अब ये रीग्रोथ करने के लिए, ये एक तरह से आयरन करने से पहले, आयरन करने से पहले या डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल करें. अगर आप चाहते हैं जब आप ड्राई डालिए कितनी देर छोड़ने को कह रही हैं, 20 मिनट्स, और उसके बाद फिर वॉश करें. इसमें चीजें जो है, हाँ, उसके बाद पानी, जस्ट आपने पानी डालना है, ऐसे लिया आपने और इस तरह पानी डाल लिया, दैट्स इट. मतलब शैम्पू वैम्पू करने करना चाहे तो कर लें. वैसे इसमें जो है चीजें हैं वो खुद इतनी स्मेल अच्छी है इसकी कि इसमें कोई हमने ऑयल तो ऐड किया नहीं है. अच्छा, ये आप बहुत जरूरी बताएं कि ये क्या साफ धुले हुए बालों में लगाना है, मतलब शैम्पू करके? यस, कंडीशनर की जगह लगाना है. हाँ, देखिए कंडीशनर की जगह, अगर आपके बाल धुले हुए नहीं है, आपको लगता है कि आपके स्कैल्प में पसीना है लेकिन नीचे नहीं है, लाइक मैं अगर किचन में काम करती हूँ तो मुझे सिर्फ स्कैल्प में पसीना आता है, नीचे नहीं आता. आपने फ्रिज से निकाला, इसको नीचे नीचे लगाया, ठीक है, आपके 20 मिनट्स आपके गए अंदर, बॉन्ड आपके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है बालों के अंदर बॉन्ड में, और जाकर आपने पानी से वॉश कर लिया. उसके बाद आपने हल्के हल्के एफ्रो कोम करना है तो बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, रूट तक के ये खुद ही जाएगा. आपने सिर्फ नीचे नीचे लगाना है, रूट तक के ये खुद ट्रैवल करता है. ये जो चीज़ें इसमें मौजूद हैं विटामिन के, स्पेशली करें. क्या हमने क्या डाला, पहले सबसे पहले हमने लिया आधा ग्लास पानी. हाँ. उसमें डाला एक चम्मच अजवाइन. हाँ. थोड़े से कड़ी पत्ते, अंडे, फिर अंडे का छिलका, और अंडे के छिलके आप जितने चाहे डाल सकते हैं निदा. हाँ. आप वेस्ट नहीं करें, हम फेंक देते हैं उठाकर, आप संभाल कर रख लीजिए उसको, एक प्लेट में रखिए, फ्रिज में रख दीजिए, ड्राई हो जाएगा. अंदर जो लेयर होती है एल्ब्यूमिन वो आपके बालों को बहुत हेल्प, वो प्रोटीन है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन, और उसके जो शैम्पूज होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं. आपने सिंपल लगाना है, आपने वॉश किया, आप इसी चीज़ को आप अपने कंडीशनर और शैम्पू में डाल दीजिए, यही चीज़ बनी हुई. आप जो भी आपको शैम्पू और कंडीशनर सूट करता है आप थोड़ा सा उसको यही डाल के डाइल्यूट कर लीजिए, और इसको एज ए सीरम भी यूज़ करिए सिर्फ नीचे नीचे. वो लोग जो इंस्टेंट चाहते हैं ना, आपने देखा होगा सैलून में ट्रीटमेंट होते हैं, एक सीरम तोड़ा, वो लगाया, दूसरा, फिर आपको आयरन ही कर दिया उन्होंने कि जी आपके बाल सही हो गए. अब वो उस वक्त तो अच्छा लग रहा होता है लेकिन फिर जब आप 2-3 दिन के बाद उसे वॉश करते हैं फिर आपके डैमेज हो जाते हैं, फिर डैमेज. आप इतने भारी रकम दे के 2 दिन के तो सही नहीं कराएंगे. तो ये ज्यादा अच्छी बेहतर चीज है. मुझे लगता है कि हम जो खाली तेल 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 लगा रहे होते हैं, तेल के अलावा ये चीजें नेसेसरी हैं आपके बालों, क्योंकि तेल में बेशक जो है वो प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है उसके, लेकिन हमें विटामिन्स भी चाहिए होते हैं. वो विटामिन्स जो हमारे बालों को
देखिए, दो मुए बालों के लिए अलहदा वाइटामिन होंगे, रीग्रोथ के लिए अलहदा होंगे, नए बाल निकालने के लिए, रीजनरेशन के लिए अलहदा होंगे, तो सब चीजें आपने साथ साथ करनी है। तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए जिनके केमिकल से खराब हो चुके बाल, जिनके रिबॉन्डिंग से खराब हो चुके, जिनके केराटिन के नाम पे खराब हो चुके, और जिनका आयरन का इस्तेमाल या ड्रायर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग तो नहाने के बाद बगैर ब्लो ड्राई के घर से नहीं निकलते, यूनिवर्सिटी कॉलेज भी जाना है, कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट भी होती है, भाई आप फ्रंट पे हैं तो आपको बड़ा अच्छे आपके बाल होने चाहिए, वो वाली चीज है।